हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A के बचे हुए क्वेश्चंस को। और आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो ये डेसिमल्स गिवेन है अपने पास, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना बताया था, क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं वो डेसिमल की फॉर्म में हैं और आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको नंबर्स को हमेशा कंपेयर जरूर करना पड़ता है। तो अगर यहाँ कंपेयर करना है तो वैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सीख ही चुके थे कि कंपेयर कैसे करना है, हमें लाइक डेसिमल्स में कैसे बदलना है। उन्हीं चीजों को थोड़ा सा यूज करते हैं और इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट्स, एक बात रिमाइंड करा देना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, तकरीबन 70% के आसपास, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देखते पूरा वीडियो है, मतलब है कि एडवांटेज पूरा लेते हैं चैनल का, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब इतनी छोटी सी बात भी बार बार हमें वीडियो में बतानी पड़ती है कि मेहनत भी आप लोगों के लिए की जा रही है, लेकिन सब्सक्राइब करने पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है। बाहर स्टडी करने जाते हो, फीस देनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आराम से दे देते हो, लेकिन यहाँ केवल इतना ही बोला जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो भी आप लोगों से नहीं होता। तो ये ना करें, जितने भी लोग विजिट करते हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इससे आपका भी फायदा होता है कि कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है और एक सिंगल वीडियो भी आपसे मिस नहीं होती। एक बात और बता दें, DRS क्लासेस चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 6 से क्लास 10th तक की मैथमेटिक्स और साइंस की वीडियो अपलोड की जा रही हैं। इस चैनल पर भी विजिट करें। और कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं क्लास 8th के, RS अग्रवाल, जो इस चैनल पढ़ते थे आजे कोचिंग क्लासेस में, उनके लिए बता दें कि RS अग्रवाल मैथ्स की जो वीडियोज हैं क्लास 9th और 10th की, ये आपको मेरे दूसरे चैनल DRS क्लासेस पर ही मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग उस चैनल पर जाकर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां भी बहुत बेहतरीन वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को। 4.6, 7.4, 4.58, 7.32 एंड 4.06 पढ़ने का तरीका सही सीख लो। मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे पढ़ते हैं 4.58, जो कि गलत तरीका है। कैसे पढ़ेंगे 4.58? सबसे पहला काम है इन डेसिमल्स को हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना। लिख देंगे कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, इनको हम लोग लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि लाइक डेसिमल्स का मतलब होता है ऐसे डेसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो। मतलब है कि आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद इसमें 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। मतलब सभी नंबर्स में हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही करने हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4.60, जितने डिजिट कम पड़ेंगे उतने हम लोग जीरो यहां पे अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 7.40, फिर है 4.58, फिर 7.32, फिर क्या है 4.06। अब हमें इनको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। स्टेटमेंट लिख देंगे अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये स्टेटमेंट लिखवाते हैं आप लोगों को, जिससे कि आप जो क्वेश्चन करें उसका सॉल्यूशन इफेक्टिव दिखे, एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा इंप्रेस जरूर हो जाए। ये तो तरीके तो कहीं डायरेक्ट आप उसमें वो सिंबल बना के भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा बेटर कम लगता है, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो, सिंबल्स का यूज करो भी। तो अरेंजिंग इन टू असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जब इनको अरेंज करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा होता है मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ में बढ़ना है। तो इनमें सबसे छोटा या कह सकते स्मॉलेस्ट डेसिमल कौन सा होगा, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें करना इतना पड़ेगा कि कंपैरिजन के लिए मैंने लास्ट की वीडियो में भी ये बात एक्सप्लेन करी थी कि हमें होल पार्ट को पहले देखना है, उसके बाद में देखना डेसिमल पार्ट को। तो होल पार्ट की बात करें तो यहाँ 4, यहाँ 7, 4, ये 7, यहाँ पे 4, मतलब इन दोनों में से ही कोई बड़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ तो अरेंज करना है भाई असेंडिंग ऑर्डर में,
असेंडिंग मतलब पहले हमें स्मॉलेस्ट देखना पड़ेगा भाई, पहले स्मॉलेस्ट देखते हैं। यहाँ पे फोर आया है, यहाँ फोर है, यहाँ फोर है, अब ये तीन लेके हम लोग चलेंगे, एक ये और एक ये। अब देखते हैं भाई इनके होल पार्ट तो सभी इक्वल है, सभी में फोर 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 है। अब हमें कैसे पता चले कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो ये डेसिमल पे फर्स्ट डिजिट पे जाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद में सिक्स है, यहाँ फाइव, तो इससे छोटा तो ये हो गया। फाइव के बाद यहाँ देखें अगर हम लोग, तो है जीरो, इसका मतलब सबसे छोटा यही हो जाएगा। तो राइट कर देंगे 4.06। इसके बाद में इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए फाइव था तो हो गया 4.58, इसके बाद हो गया 4.60। इन तीन का तो काम हो गया खत्म। इसके बाद में बचा 7.40, नेक्स्ट है 7.32। तो यहाँ देखिए होल पार्ट इसका 7, यहाँ भी 7, कुछ आइडिया नहीं लगेगा। पॉइंट के बाद इसमें 4 है, पॉइंट के बाद इसमें 3 है, तो ये वाला स्मॉलर हो जाएगा, तो ये हो गया 7.32 और अगला हो जाएगा 7.40। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी है, जैसे बताते जा रहे वैसे अगर आप लोग फॉलो करते रहेंगे स्टेप्स, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका कभी गलत नहीं होगा, पूरे कॉन्फिडेंटली आप लोग एग्जाम में परफॉर्म करके आओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट फाइव लिखते हैं हम लोग, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, हम लोग इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन, पॉइंट के बाद टू, पॉइंट के बाद टू, पॉइंट के बाद टू, मतलब है डेसिमल के बाद आपको टू डिजिट्स रखने हैं। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 0.50, लास्ट में 10 इंक्रीज कर सकते हैं, उसके पहले नहीं करना। ये हो जाएगा 5.50, फिर क्या है 5.05, नेक्स्ट है 0.05, फिर है 5.55। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप ना चाहें ये स्टेटमेंट लिखना जो मैंने लिखा अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर, तो आप इस सिंबल का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जाएगा अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर भी मैंने बताया है आप लोगों को कि हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है। अभी देखिए लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, पहले होल पार्ट कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 0.5505, तो जीरो वाले तो टू मिल गए हमको, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो इन्हें दोनों में से कोई होगा। डेसिमल के बाद में यहाँ फाइव है, डेसिमल के बाद में यहाँ जीरो है, तो जीरो वाला स्मॉलर हो जाएगा, तो पहले लिख देंगे 0.05, नेक्स्ट तो आप समझे गए होंगे यही होगा। इसके बाद देखते हैं इन दोनों को हमने हटा दिया, इसके बाद बचे हैं तीन अपने पास 5.50, इसमें होल पार्ट 5 है, इसमें भी होल पार्ट 5, इसमें भी होल पार्ट 5। होल पार्ट से हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, अब चलेंगे हम लोग डेसिमल पार्ट की तरफ। तो डेसिमल के बाद पहला डिजिट इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये वाला स्मॉलर होगा क्या 5.05। अब ये भी चला गया, ठीक है, जो जो यहाँ से जा चुके उनको अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए ये हो गया है, ये हो गया और ये हो गया, अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना है। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 5, पॉइंट के बाद यहाँ 5, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ से तो आइडिया लगा नहीं। तो इसके बाद सेकंड डिजिट इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो ये स्मॉलर हो गया, क्या हो जाएगा 5.50, नेक्स्ट हो जाएगा 5.55। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, और ऐसे स्टूडेंट्स इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको सारे पार्ट्स कराएंगे जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बचे हुए पार्ट्स की तरफ। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं स्टूडेंट्स ये 6.84 ऐसे करके नंबर दिए गए। सबसे पहला काम है लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना, तो लिख देंगे यहाँ पर कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट एक बार देखें टू डिजिट है मैक्सिमम, तो सभी में पॉइंट एक बार टू डिजिट बना लेते हैं, खैर पहले वाले नंबर पे तो ऑलरेडी है। फिर 6.48, इसके बाद में 6.80 लगा देंगे लास्ट में, 6.4 था, 10 से मेंटेन हो गया 6.08। इस तरीके से लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट पे हमको इनको केवल अरेंज करना है, तो लिख देंगे यहां पर अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर,
असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, है ना। तो देखिए हम लोग इनके पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो सभी में देखिए 6 है, मतलब है कि केवल होल पार्ट को देख के तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट की पहचान नहीं की जा सकती। अब क्या करेंगे भाई, पॉइंट के बाद डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 0 है, तो सबसे छोटा डिजिट मिला हमें लास्ट वाले पॉइंट के बाद क्या था, 0। तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा, तो हो गया 6.08, इसको हमने अंडरलाइन करके हटा दिया। और फिर देखते हैं पॉइंट के बाद 8, पॉइंट के बाद में 4, पॉइंट के बाद में 8, पॉइंट के बाद में 4, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते स्टूडेंट्स, बचे ये दोनों 6.48 और 6.40। पॉइंट के बाद में इसमें भी 4 है और यहाँ भी 4 है, मतलब फर्स्ट डिजिट से पता नहीं चलेगा। आते हैं सेकंड डिजिट पे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये इन दोनों में स्मॉलर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6.40, इसके बाद आ जाएगा 6.48। तो ये वाला भी डेसिमल हो गया, ये वाला भी डेसिमल हो गया, आप बचे अपने पास दो, कौन कौन सा 6.84, 6.80। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 8 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 8, कतई ही पता नहीं चला। सेकंड डिजिट पे जब पहुंचे, यहाँ 4 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 वाला स्मॉलर हो गया, लिख सकते 6.80 और 6.84। देखिए स्टूडेंट्स कितने इजीली ये हम लोगों ने अरेंज कर दिया है, कुछ भी खास नहीं है ना। आप इसको ऐसे राइट कर दीजिएगा, सीधे आंसर आ जाएगा, जैसे असेंडिंग वैसा ही डिसेंडिंग, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है उसमें। यहां भी वही काम करना है, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। चलिए भाई कन्वर्ट करते हैं इनको लाइक डेसिमल्स में, तो लिखा हुआ है यहाँ पे 2.2, मैक्सिमम डिजिट 3 आ चुके हैं, तो अब हमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट बनाना है। यहाँ पर डेसिमल के बाद है सिंगल डिजिट, तो हमें 20 लगा के इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2.200, फिर है 2.202, फिर है 2.02, लास्ट में 10 बना दिया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 20 बना लिए, यहाँ पे तो मेंटेन है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को लाइक डेसिमल्स में प्रॉब्लम हो रही है अरेंज बनाने में, कन्वर्ट करने में, तो इसके पहले की जो वीडियो मैंने अपलोड करी है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की, उसको अगर आप लोग सही ढंग से देख लेते हो तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। अब इसको अरेंज करते हैं, अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है। देखिए डेसिमल के पहले तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 22, ये तो हो नहीं सकता भाई पहले, है ना, ये 22 है, इसके अलावा सभी में 2 है, तो होल पार्ट से तो पता नहीं चलेगा। होल पार्ट के बाद देखिए जो डेसिमल वाला पार्ट है, पॉइंट के बाद इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, कोई आइडिया नहीं, यहाँ पर 0 है, छोटा मिला इससे भाई, यहाँ भी 0 है, जो भी नंबर्स होंगे इन्हीं दोनों नंबर्स में से इसके बाद स्मॉलर मिलने वाला है भाई। तो फर्स्ट डिजिट तो दोनों में सेम है, सेकंड डिजिट पे गया तो सेकंड डिजिट इसमें 2 है, यहां पर सेकंड डिजिट भी 0 है, मतलब ये स्मॉलर हुआ ना, तो क्या लिख सकते हैं 2.002, इसके बाद में आ जाएगा 2.020। अच्छा भाई अब बचे हैं यहाँ पे 3, ये तो ग्रेटेस्ट होगा क्योंकि 22 है, इन दोनों में अब हमें कंपेयर करना है। देखिए 2 मतलब होल पार्ट से तो कोई कंपेरिजन नहीं होने वाला, पॉइंट के बाद इसमें 2 है, पॉइंट के बाद इसमें भी 2 है, सेकंड डिजिट इसमें 0 है, सेकंड डिजिट इसमें भी 0 है, मतलब सेकंड डिजिट से भी कोई आइडिया नहीं। थर्ड डिजिट पे गए, थर्ड डिजिट यहाँ पर 0 है, थर्ड डिजिट यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में ये स्मॉलर हो गया क्या, 2.200, और इसके बाद में लिख सकते हैं 2.202। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा भाई तो ये दोनों भी अरेंज हो गए, क्योंकि इन दोनों में पता चल गया कि ये वाला स्मॉलर है, तो इसके जस्ट बाद यही आने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक बचा हुआ था लास्ट में वही आ जाएगा, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ अब अगर आप लोग चाहें तो जो एक्स्ट्रा डिजिट आप लोगों ने 0 लगा कर बढ़ाया है तो आप हटा भी सकते हैं, कहने का मतलब इसमें से लास्ट के 0 बढ़ाए थे ना आप लोगों ने, अब यहाँ हटा दीजिए क्योंकि कोई जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी अरेंज हो चुकी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं या लगे भी रहने देंगे तो कोई उससे दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब की बार हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन डेसिमल्स को, तो ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप वैसा ही है कि सबसे पहले आपको इन डेसिमल्स को कन्वर्ट करना होगा
लाइक डेसिमल्स में, तो देखिए लिख देते कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स में स्टूडेंट्स हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ वन डिजिट, यहाँ पर टू, यहाँ वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, मतलब डेसिमल के बाद में मैक्सिमम टू डिजिट्स हैं। कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स 7.4, यहाँ पर वन डिजिट है ना केवल, तो एक जीरो बढ़ा के यहाँ पर टू डिजिट हमने मेंटेन कर लिया है। फिर क्या है 8.34, नेक्स्ट क्या है 74.40। याद रखिए स्टूडेंट्स हमें जब लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट सेम करने, डेसिमल के पहले से भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा 7.44, उसके बाद में हो जाएगा 0.74। अब यहां राइट करेंगे अरेंजिंग इनटू इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना है। कुछ बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि असेंडिंग में ऊपर से नीचे आते हैं या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखते हैं या डिसेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखते हैं। उनके लिए एक छोटा सा आइडिया दे दें कि जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो पहले ए आता है फिर डी आता है, इसका मतलब है ए आता है वन नंबर पे, डी आता है फोर नंबर पे, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा होगा, वन छोटा होगा, इसका मतलब है वन स्मॉलेस्ट है ना दोनों में, या स्मॉलर कह सकते हो, वन तो हो गया स्मॉलर, इसका मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट जाएंगे। और अगर वो कह देता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए डी आता है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ तो वन से ज्यादा बड़ा होता है ना, अगर इससे ज्यादा बड़ा है तो उसके बाद ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखेंगे। एक छोटा सा आइडिया है जिससे कुछ चीजें आसान हो सकती हैं आप लोगों के लिए, बाकी आप जैसे भी याद करना चाहो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अरेंजिंग इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर देखना होगा, क्योंकि फोर्थ ग्रेटर नंबर होता है वन से, है ना, और ग्रेटेस्ट पहले देखेंगे कहां से, हम लोग होल पार्ट से, होल पार्ट में यहाँ सेवन है, होल पार्ट मतलब पॉइंट के पहले वाला जो पार्ट है, यहाँ सेवन, यहाँ एट, ये 74, ये 7 और ये 0, तो मतलब जो 74 है ये ग्रेटेस्ट है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं 74.40। इसके बाद में अब देखेंगे ये तो हट गया भाई बच्चे, अब यहाँ पे 4 7.40, यहाँ 7, ये 8 है, ये 7, ये 0, तो इन सभी में 8 होल पार्ट वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा 8.34, ये वाला भी हो गया फिनिश। इसके बाद अब बचे यहाँ पे 3 7.40 7.44 0.74, तो देखिए इन दोनों में है 7 और इसमें है 0 होल पार्ट में, तो ये तो सबसे लास्ट में होने वाला है क्योंकि सबसे छोटा यही है, इन दोनों के होल पार्ट में 7, तो होल पार्ट से तो कुछ कंपैरिजन हो ना पाएगा। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ 4 है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 4 है, कोई कंपैरिजन नहीं हो पाया। नेक्स्ट डिजिट पहुंचे तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, तो ये वाला नंबर तो ऑटोमेटिक ग्रेटर हो गया ना भाई, तो 7.44 आ जाएगा। इसके बाद आएगा तो ये है क्योंकि उसको तो लास्ट पे जाना है, तो ये हो गया 7.40, इसके बाद आ जाएगा 0.74। अच्छा भाई ये हो गया, अब अगर आप चाहें तो लास्ट के जीरो जो आपने बढ़ाए थे अपने मन से उनको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं सेकंड पार्ट में, यहां भी भाई काम करना है हमको, पहला क्या कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। चलिए भाई यहां देखते हैं पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं, मतलब सभी डेसिमल्स में हमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट रखने हैं, तो देखिए पहला क्या था 2.6, यहाँ पर तो 1 डिजिट है, रखने कितने हैं 3, तो 2 डिजिट कम पड़ रहा है तो 20 यहाँ पे बढ़ा लेंगे हम लोग 2.600, नेक्स्ट पे 2.260, इसके बाद में 2.06, 2 डिजिट है, 1 डिजिट कम पड़ रहा है, 10 बढ़ा लिया। फिर यहाँ तो मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं, 2.007 है, इसके बाद में लिख देंगे 2.3, यहाँ 00 हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद आगे वर्किंग साइड में करते हैं, लिख देंगे अरेंजिंग इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग में फिर से वही बात याद दिला दे आपको, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं भाई होल पार्ट में, यहाँ पर टू, ये भी टू, टू टू टू, मतलब है होल पार्ट से पता नहीं चलने वाला। जाएंगे अब डेसिमल पार्ट में, ठीक है, टू के बाद पॉइंट लगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्स है, ये टू है, ये जीरो है, कोई मतलब नहीं, जीरो है, थ्री है, इन सभी में जो पहला डिजिट ग्रेटेस्ट है वो क्या है, सिक्स है यहाँ पे। तो पहले ये आ जाएगा क्या, 2.600। एक बात आपको फिर से याद दिला दें स्टूडेंट्स कि जब आप ये स्टेटमेंट दे देते हो अरेंजिंग इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, तब आपको ये सिंबल लगाने की जरूरत नहीं बचती है। अगर आप ये चाहो कि आपको ये सिंबल लगाना है तो फिर आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है, मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा भाई ये तो हो गया फिनिश यहाँ से, अब बचते हैं यहाँ पर इतने फोर डेसिमल्स, इनमें कैसे पता करेंगे भाई, ठीक है, टू पॉइंट, अब इसमें सेकंड डिजिट जाना पड़ेगा, यहाँ सेकंड डिजिट टू है, अब सेकंड डिजिट मार्क करते हैं, यहाँ पर टू है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये थ्री है, तो देखिए यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, तो इन दोनों में से यही ग्रेटेस्ट हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर हो जाएगा 2.300। तो जब ये हो गया तो इसके बाद में आएगा कौन, यही वाला बच रहा है, क्योंकि इन दोनों में तो जीरो जीरो है फर्स्ट डिजिट पे, है ना। तो ये फिनिश हो गया, इसको अंडरलाइन कर लिया, अब इसके बाद इसी को आना 2.260 हो जाएगा, 2.260। अगर हम लोग इसके बाद की बात करें, अब बचे हैं ये दोनों, तो दोनों में डेसिमल के बाद का जो फर्स्ट डिजिट है जिसको हम लोग टेंथ डिजिट बोल सकते हैं वो तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले पे जब जाएंगे तो यहाँ पे है सिक्स और यहाँ पे है जीरो, इन दोनों में ये ग्रेटर हो गया 2.060, 2.060। और अगर ये भी चला गया तो बचेगा लास्ट में 2.007, जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ पे 2.007। अब आप चाहें तो लास्ट डिजिट लगे रहने दें, अगर सोच रहे हैं बिल्कुल कि उसी के जैसा हो जाए, जैसा क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग हो, तो आप ये जीरो हटा भी दीजिए, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है भाई। चलिए ये हमने यहाँ से हटा दिए, याद रखिएगा आप ये जीरो मत हटा देना कि ये वाला जीरो या ये दोनों जीरो हटा दिए, आप वही जीरो हटा सकते हो जो लास्ट में है या जो आपने अप्लाई किया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे उसने कहा स्टूडेंट्स एक्सप्रेस 45 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है जो आप लोग फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में पढ़ के आए हो, फिर भी एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करा दें आप लोगों को। तो उसने दिया है अपने को 45 mm, तो 45 mm को हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, उसके बाद में किलोमीटर में। तो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि कब हमें मल्टीप्लाई करा के कन्वर्ट करना है, कब डिवाइड करा के, अगर मल्टीप्लाई कराना है तो कौन से नंबर से और डिवाइड कराना है तो कौन से नंबर से। इसके लिए बिल्कुल हम आपको इजी मेथड बता दें, ये आपको एक छोटी सी हिंट है इसको याद रख लीजिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर ग्राम लीटर डेका हेक्टो किलो। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको सेकेंड स्टेप ये याद रखना है कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें डिवाइड करना है, ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करना है। क्या समझे भाई, मिली सेंटी डेसी मीटर ग्राम लीटर डेका हेक्टो किलो, और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड कराना है और ऊपर से नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर मीटर की बात चल रही है, जैसे यहाँ पे देखिए सेंटी है, मीटर, मीटर किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे मीटर लगा देंगे, मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। और अगर वो कह रहा है ग्राम तो यहाँ ग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। अगर वो कह रहा है लीटर तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे तीन के तीनों। अब बात आती है कि डिवाइड किससे कराना या मल्टीप्लाई कौन से नंबर से कराना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए जितने स्टेप हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितने स्टेप हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमने मान लिया कि किलोग्राम से या किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, ये तो सिंपल सब लोग याद रखते हो, किलोमीटर से अगर मीटर जाना है तो आप ये देखिए कितने स्टेप आप लोग जंप कर रहे हो। तो देखो इसको ड्रॉप कर देंगे, इसके बाद देखेंगे 1, 2, 3, तो 3 स्टेप मिले ना आपको, मतलब है 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि आप लोग ऊपर से नीचे आ रहे हो,
किलोमीटर से मीटर, 30 वाले नंबर से मतलब है 1 के बाद 30 है ना, तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई कराना है। और अगर ऐसा कह रहा होता कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितने स्टेप आप ऊपर जाते हैं, तो देखिए सेंटी डेसी मीटर भाई इसको तो ड्रॉप कर देंगे, यहां से तो जाना ही है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप मतलब है 3 स्टेप जाते हैं ना, तो ऊपर जाने पर डिवाइड कराना है तो 1000 से डिवाइड कराना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप लोग देखें तो 45 mm को हमें कन्वर्ट करना है पहले सेंटीमीटर में, तो मिली से जाना है सेंटी, कितना भाई मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मतलब है केवल 1 स्टेप ऊपर जाना है। 1 स्टेप का मतलब हो गया 10, 2 स्टेप का मतलब हो गया 20 वाला 100, 3 स्टेप का मतलब हो गया 30 वाला 1000, ठीक है। तो फिलहाल देखिए आपको 1 स्टेप ऊपर जाना है, और ऊपर जाने पर करते क्या डिवाइड करते हैं, तो सिंपल हम लोग इस 45 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 45/10, और जैसे ही हमने इसको 10 से डिवाइड किया आगे की यूनिट बदल जाएगी, सीएम मतलब सेंटीमीटर हो जाएगी। कुछ बच्चे मिस्टेक करते क्या है कि एमएम के बाद में यहाँ भी सेंटीमीटर ना लिख के केवल मिलीमीटर लिख देते हैं, तो छोटी सी मिस्टेक है मगर मार्क्स जरूर कटवा देगी आपके। अब इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे 5 से कैंसिल मत करने लगिएगा, अपॉन में अगर 1 के बाद में सिर्फ 0 है तो आपको केवल देखना है 0 कितने है 1, तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करिए और 1 डिजिट में डेसिमल अप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 4.5 cm। अब देखिए 45 mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना हमें मीटर में, तो मिलीमीटर ये है और मीटर ये है, तो मिलीमीटर पे 1 फिंगर आप टिका दीजिए। इसके बाद देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप मतलब है कि मिलीमीटर से अगर मीटर जाना है तो आपको 3 स्टेप जाना होगा, और अगर 3 स्टेप जाना है तो 3 डिजिट वाला नंबर, तो 30 वाला नंबर कौन हो जाएगा भाई 1000, और अगर 1000 है तो 1000 से करें क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो आप देखिए मिलीमीटर से मीटर जा रहा है मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो डिवाइड करना है किससे 1000 से, तो 45 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से, आगे यूनिट क्या आएगी मीटर, क्योंकि जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हम लोग पहुंच गए थे मीटर पे, तो यूनिट हमें मीटर लिखनी है। अब देखिए 45 ऐसे राइट कर दिया, आगे आ जाएगा मीटर। इसके बाद देखिए डेनोमिनेटर में 3 जीरोस हैं कि नहीं, और अगर डेनोमिनेटर में 3 जीरो हैं इसका मतलब है कि ऊपर हमें राइट से 3 डिजिट मूव करना होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है ना, तो 10 आगे बढ़ा लिया हमने, आप देखिए 3 डिजिट हो गए, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया और इसके पहले 1 जीरो अप्लाई कर दिया जिससे कि ये जो पॉइंट है विजिबल हो जाए, है ना। चलिए भाई इसके बाद बात करते हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करने की, तो 45 mm यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो अब देखते हैं mm को किलोमीटर में चेंज करना है मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड, तो ये मिलीमीटर और ये किलोमीटर है, मतलब है सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाना है हमको, और ऊपर जाने पर करते क्या है डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग 45 को डिवाइड करेंगे, तो 1 तो लिख दिया, अब डिसाइड केवल ये करना है कि 0 कितने लगाएं, तो देखिए भाई मिलीमीटर से किलोमीटर जाना है तो मिली को आप छोड़ दीजिए, तो कितने स्टेप जंप करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 स्टेप्स आपको ऊपर जाना है, तो 1 के बाद में 6 जीरो लगेंगे 1 2 3 4 5 6 आगे यूनिट क्या आ जाएगी किलोमीटर, क्योंकि जैसे डिवाइड करते हैं हम ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वैसे राइट कर देंगे 45 आगे यूनिट लिख दी हम लोगों ने किलोमीटर। अब देखिए डेनोमिनेटर में 6 जीरो हैं मतलब यहाँ पर भी हमें 6 डिजिट मेंटेन करने होंगे, अब आप ये ना कर दीजिए कि बाद में मेंटेन करते हैं, क्योंकि जस्ट अभी आप लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग में ये सीखा हुआ है ना कि जब हमें लाइक डेसिमल्स बनाना होता है तो बाद में 0 बढ़ा लेते हैं, वो स्टूडेंट्स तब के केस में है जब हमारे पास पॉइंट में नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस टाइप का केस हमारे पास है तब हम लोग लास्ट में 0 नहीं बढ़ाएंगे, और उसका जो कॉन्सेप्ट है लास्ट में 0 बढ़ाने का वो मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी उसके शायद पहले या दूसरे वीडियो में मैंने वो कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी बेहतरीन हो तो आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करिए, सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको एक भी डाउट नहीं मिलेगा कभी। चले भाई तो 6 डिजिट बनाने हैं, तो ये देखिए 2 डिजिट हैं मतलब 40 अगर हम लोग लगा देते हैं तो हमारे 6 डिजिट मेंटेन हो जाएंगे, इसके पहले डेसिमल लगा दिए उसके पहले 0 हो गया, और यही हो गया इसका
आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल का यूज करके हमें इनको कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, जरा यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रखना चाहे जैसे चाहे आप कर सकते हैं। चलिए भाई, जैसे आप लोग इतना जानते हैं कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, इतना तो सभी लोग जानते हैं कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। मतलब रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 को मल्टीप्लाई कराना होता है। कितने का मल्टीप्लाई कराना होता है? 100 का। रुपीज में, रुपीज से पैसे में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो बस इसका जस्ट आप लोग याद रखिए कि पैसे को अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या समझे भाई? रुपीज से अगर पैसे में जाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना है, और अगर पैसे से रुपीज में जाना है तो 100 से डिवाइड करना है। या फिर एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीखना चाहें तो ऐसा सीख सकते हैं कि देखिए रुपीज 1 = 100 पैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, रुपीज 1 = 100 पैसे। तो अगर रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। और अगर आपको पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 100 पैसे = रुपीज 1। तो 1 पैसे में कितने रुपीज हो जाएंगे भाई? तो 1 पैसे मतलब कम के लिए पूछा जा रहा है, और यूनिटरी मेथड में आपने सीखा है कि कम के लिए डिवाइड करते हैं तो वहां पर आ जाएगा 1 पैसे, है ना। अगर 1 पैसे के लिए निकालेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे तो जाएगा ₹1/100। तो आप यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब रुपीज से पैसे में जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, और जब पैसे से रुपीज में जाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप कैसे भी सीख सकते हैं। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट है, हम आपको इसको डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका भी बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद में। तो देखिए कैसे, आप चाहे डायरेक्ट याद कर ले, रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, और पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड। ऐसे कि रुपीज 1 = 100 पैसे होते हैं तो रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, और अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 का मल्टीप्लाई। दोनों मतलब एक ही होता है। 1/100 का मल्टीप्लाई से मतलब ये होता है 100 से डिवाइड करना। तो फिलहाल हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं रुपीज में और इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हो जाएगा 8/100। और जैसे स्टूडेंट्स हमने इसको डिवाइड किया तुरंत हमें यहाँ पे यूनिट इसकी रुपीज लगा देनी है, ठीक है। अच्छा, रुपीज देख देंगे तो हो गया रुपीज, और यहाँ पर ऐड कर दिया 8 हमने। यहाँ देखिए 1 के बाद 2 जीरोस है ना, मतलब हमें 2 डिजिट में डेसिमल अप्लाई करना है। यहाँ पर 1 डिजिट 1 जीरो बढ़ा लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास रुपीज 0.08, और यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो स्टूडेंट्स उसने कहा है रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जो पार्ट है 9 रुपीज वाला, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है रुपीज में, बचा हुआ है 75 पैसे, इसको आपको केवल रुपीज में कन्वर्ट करना, बाद में दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। और ऐड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो परेशान मत होइएगा, इसके बाद जो अगले एक्सरसाइज है वो ऐड करना डेसिमल्स का भी बताया गया है, ठीक है, वहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप 75 पैसे को पहले कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो जाएगा 75 पैसे = 75। हम लोगों ने सीखा क्या है कि पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कराएंगे तो अपॉन में हो जाएगा 100, और जैसे 100 लिखेंगे ये भी रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिख देंगे रुपीज, ये हो गया 75। 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, मतलब 2 डिजिट में डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर हो गया डेसिमल और यहाँ पर हो गया 0, हो गया रुपीज 0.75। मगर हमारे पास 9 रुपीज पहले से थे तो हम लोग इसको ऐसे राइट कर देंगे 9 रुपीज 75 पैसे equals, तो 9 रुपीज थे तो 9 रुपीज को हमने ऐसे लिख दिया प्लस 75 पैसे कन्वर्ट होके बन चुके हैं रुपीज 0.75। इनको जब ऐड करेंगे तो डायरेक्टली ऐसे ऐड कर देंगे 9.75। इस 0 से हमें कोई मतलब नहीं, 9 के बाद में यहाँ डेसिमल अप्लाई करके जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसके यहाँ राइट कर देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं स्टेट्स इसके थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है, फिर जल्दी से हम आपको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं इसको।
देखिए 8 रुपीज 5 पैसे है तो ये तो पहले से रुपीज में है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर 5 पैसे को हमें अरेंज करना है, तो राइट करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, 5 पैसे इक्वल्स 5/100 और जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तुरंत रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज। लास्ट में हमने 5 लिख दिया देखिए, और यहाँ पर 2 जीरोस है डिनोमिनेटर में तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट में मेंटेन कर ले, यहाँ डेसिमल लगा दे, ये हो गया 0। अब लिखेंगे यहाँ पर 8 रुपीज और 5 पैसे इक्वल्स, देखिए 8 रुपीज की बात करें तो 8 रुपीज हमने ये राइट कर दिया, प्लस 5 पैसे की अगर बात करें तो 5 पैसे कन्वर्ट हो चुके हैं रुपीज में 0.05। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, रुपीज 8 राइट कर देंगे और डेसिमल लगाकर जो भी डेसिमल की बात की वैल्यू है उसको यहाँ पर राइट कर देंगे और यही हो जाएगा स्टूडेंट्स इस काम से। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऑप्शनल मिलता है, वैसे जो सीसी टेस्ट पेपर हम लोग करेंगे तो हो सकता है वहां पे ऑप्शनल हो, ठीक है, फिर भी हम आपको यही एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। देखिए अगर आपको ये पता है कि आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि पैसे में 2 डिजिट होने चाहिए, अगर पैसे में 2 डिजिट है तो बहुत इजी हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे 8 पैसे थे हमें कन्वर्ट करने थे रुपीज में, तो आपको 8 ऐसे राइट करना है, बस ध्यान रखना है कि अगर हमें 100 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट होने चाहिए, नहीं थे तो हमने 0 लगा के 2 डिजिट बना दिए, 0 लिख दिया, ये हो गया रुपीज। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का सीधा आंसर। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 75 पैसे है ना, मतलब पैसे में 2 डिजिट है, और अगर पैसे में 2 डिजिट है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप रुपीज राइट करिए 9 और डेसिमल लगा के सीधे पैसे राइट कर दीजिए। देखिए दोनों के आंसर सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये काम तभी करना है जब ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो, अगर ऑप्शनल नहीं है तो पूरे वे से आपको एक्सप्लेन करना है। अगर हम इसकी बात करें इसको भी ऐसे राइट किया जा सकता है रुपीज 8 पॉइंट लगा दिया हमने। अब यहां पर देखिए 5 पैसे हैं, पैसे में 2 डिजिट तो है नहीं, अगर 2 डिजिट नहीं है तो इसके पहले अगर हम लोग 0 लगा देंगे तो अब तो 2 डिजिट हो गया ना, अब इसको सेम ऐसे राइट कर दीजिए तो हो जाएगा रुपीज 8.05। यहाँ पे देखिए दोनों के आंसर सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको डायरेक्ट मेथड का यूज केवल तभी करना है जब आप ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, अगर क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है तब आप लोगों को इसे पूरे वे में करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, मतलब डेसिमल्स का यूज करके आपको इन्हें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो उसी पुराने तरीके से जैसा भी जस्ट हम लोगों ने सीखा है, क्या मिली सेंटी डेसी मीटर ग्राम लीटर डेका हेक्टो किलो, बार बार क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे चीजें बिल्कुल लर्न हो जाएंगी, और इस तरह से लर्न हो जाएंगी कि आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा भी सकेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को कन्वर्ट करना है फिलहाल 65 मीटर को किलोमीटर में, तो हमने ये राइट कर दिया 65 मीटर इक्वल्स। अब देखते हैं मीटर अपने पास यहाँ पर है और किलोमीटर ऊपर है यहाँ पर। देखिए हमें एक बात तो पता है कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। अच्छा, इस एरो का ये केवल मतलब नहीं कि ये यहीं तक लगेगा, ऐसा नहीं, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने तक, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर कर रहा है। ठीक है ना, हाँ, तो अगर आप मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो देखिए 1 2 3 इसको ड्रॉप, इसको नहीं लेते भाई, इसको ड्रॉप कर देते हैं, कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाने पे करते हैं क्या भाई डिवाइड, तो हमें मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि 65 को हमें डिवाइड करना होगा, लेकिन किससे, तो देखिए 1 2 3 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, मतलब 30 वाले नंबर से, इसका मतलब 1000 से आपको डिवाइड करना है, और जैसे आप डिवाइड करते हो सीधा किलोमीटर राइट कर सकते हो, 65 हमने राइट किया, ये किलोमीटर राइट कर दिया। इसके बाद देखिए 1 के बाद में 30 है, मतलब है कि आपको 3 डिजिट में डेसिमल लगाना है, मगर डिजिट तो यहाँ पर 2 है। हम फिर से इस बात को रिपीट करते हैं कि ऐसे केसेस में जितने हम लोगों ने यहाँ स्टडी किए वहाँ पे लास्ट में 0 नहीं बढ़ा सकते, लास्ट में 0 बढ़ा के तभी डिजिट मेंटेन करना है जब पहले से यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ हो। ठीक है ना, हाँ, वो भी कुछ स्पेशल केसेस में वो भी नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस इतना करिएगा कि जितना हम आपको जैसे बता रहे हैं वैसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की है,
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें नहीं आएंगी। एक और इम्पोर्टेंट बात कि वीडियो जैसे ही आप लोग देखा गया है तो वीडियो को सबसे पहला काम है लाइक करिए, दूसरी बात अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की फिलहाल NCERT और RS अग्रवाल की वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको पता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक की जो मैथ्स और साइंस की वीडियोस हैं वो DRS क्लासेस में मिल रही हैं, 9th और 10th के जो RS अग्रवाल मैथ्स की वीडियोस हैं वो भी DRS क्लासेस में मिल रही हैं। इसके साथ 6th, 7th और 8th की जो RS अग्रवाल की वीडियो हैं तो जैसा कि आपको पता है कि आपने इसी चैनल अजय कोचिंग क्लासेस पर दी जा रही हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चले भाई बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में आगे। तो यहाँ पर 10 पढ़ा के हम लोगों ने डिजिट मेंटेन कर लिया और इसका आंसर हो गया 0.065 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 284 मीटर, तो 284 है यहाँ पे मीटर है तो मीटर से जाना हमें किलोमीटर। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि मीटर से किलोमीटर जाने के लिए 1000 से डिवाइड कराते हैं, तो 284 अपॉन में लिख दिया 1000 और ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में। ठीक है, अब देखिए भाई हम लोगों ने यहाँ राइट कर दिया 284 किलोमीटर। जीरो कितने हैं भाई डिनोमिनेटर में, तो 30 है तो मैं 3 डिजिट में डेसिमल लगाना, तो 1, 2, 3 ऑलरेडी 3 डिजिट है, बिना किसी जीरो पढ़ाए हम लोग उस पर डेसिमल लगा सकते हैं और यहाँ पर लगा दिया 0 और ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। 3 किलोमीटर 5 मीटर है, तो जैसा कि मैंने बता रखा है आप लोगों स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा रुपीज और पैसे के कॉम्बिनेशन को मैं कन्वर्ट करना था रुपीज में, यहाँ पर किलोमीटर और मीटर के कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट करना है हमको किलोमीटर में। तो जो ऑलरेडी किलोमीटर में कन्वर्टेड है उसको हम लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपकी जो RS अग्रवाल की बुक है उसके अगर आप लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो पहले बताया गया है कि किलोमीटर को आप चेंज करिए मीटर में, जब पूरा मीटर में हो जाए तो फिर से किलोमीटर में चेंज करिए, ऐसा कोई काम ना करिए। ये देखिए जैसे मैंने आपको इसका आंसर बताया है वैसे ये भी आ जाएगा, फिर हम आपको एक डायरेक्ट मेथड भी बता देंगे डायरेक्ट कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 5 मीटर है क्यों, तो इसी को केवल हम लोग पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर से किलोमीटर जाने के लिए 1000 से डिवाइड कराते हैं, यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने यूज किया तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने किलोमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर राइट कर दिया 5, ये हो गया किलोमीटर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 के बाद में 30 है, मतलब 3 डिजिट में डेसिमल लगाना है, लास्ट में 0 बढ़ाने नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे लेफ्ट में, ये हो जाएगा 0.005 किलोमीटर। अब उसने दिया था अपने को 3 किलोमीटर 5 मीटर, तो लिख सकते हैं हम लोग 3 किलोमीटर प्लस 5 मीटर बन चुका है 0.005, ये हो गया किलोमीटर। ऐड करने के तरीके मैंने आपको बताया रुपीज और पैसे में कि जो ये किलोमीटर पहले से दिए थे उसको ऐसे आप राइट कर लीजिए, इसके बाद डेसिमल के बाद जो भी है पूरा कॉपी कर दीजिए डेसिमल सहित, डेसिमल के पहले से फिलहाल कोई मतलब नहीं होगा, इतने किलोमीटर हो गया। फिर इसको ऐड कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना हो तो आप लोग इतना ध्यान रखिए मीटर से किलोमीटर हमें जाना है, जाहिर सी बात है 3 स्टेप ऊपर जाना है, 3 स्टेप ऊपर जाने पर डिवाइड करें किससे 1000 से, 1000 में होते हैं 3 जीरोस, मतलब हमें मीटर में 3 डिजिट मेंटेन करने हैं। अगर आप चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 3 किलोमीटर 5 मीटर, तो आप इसको लिख दीजिए 3 पॉइंट। अब आप सोचिए कि आपको 3 डिजिट मेंटेन करने हैं मीटर में, इसके पहले 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे, तो 2 जीरोस लगा के आप 5 लिख दीजिए, ये सीधे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, कब जब वो ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, और अगर ऑप्शनल नहीं है तो फिर आपको पूरे वे में करना पड़ेगा, मतलब अगर हम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें पूरे वे में इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में बस रखते इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि अगर आप लोग केवल वीडियो को रोक रोक के देखते हैं और उसको केवल कॉपी में नोट कर लेते हैं उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है, मैथमेटिक्स आ ही नहीं सकती इस प्रोसेस से। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है ताकि चीजें और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए अजय कोचिंग क्लासेस और DRS दोनों क्लासेस के साथ में।